हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल थिन डेंटल क्लिनिक जमालपुर लुधियाना। आज हम बात करेंगे फेशियल स्वेलिंग की। हमारे चेहरे पर सूजन आ जाती है, जिसे हम स्पेस इन्फेक्शन भी कहते हैं। वो किन कारणों से होती है और उसके टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि वो स्वेलिंग और वर्स ना हो जाए, और उसका आपको क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अब हम समझते हैं फेशियल स्वेलिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, पेशेंट के हाफ फेस पे ऊपर या नीचे फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। हमारे फेस में जो स्पेसेस प्रेजेंट होती है उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं स्पेस इन्फेक्शन। अगर जनरल लैंग्वेज में कहे तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं फेशिया। ऑर्गन और वो फेशिया के बीच में स्पेस होती है। अगर उस स्पेस में कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम स्पेस इन्फेक्शन। जब भी इस स्पेस पे इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पस बननी शुरू हो जाती है, और फिर हमारे फेस पे धीरे धीरे स्वेलिंग हो जाती है। हमारे फेस पे कई तरह की स्पेसेस प्रेजेंट होती है, जैसे कि केनाइन स्पेस, जो हमारे केनाइन दांत के पास होती है। हमारी चीक में होती है, जिसे बोलते हैं बक्कल स्पेस। और भी स्पेसेस होती है, सब मैंडिबुलर स्पेस, टेरिगोइड स्पेस। अगर इनमें से किसी भी स्पेस में इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशन होती है तो हमारे फेस पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब आता है कि मोस्ट कॉमन रीज़न क्या होता है इन स्पेसेस में इन्फेक्शन होने का। मेन कारण होता है हमारे दांतों में इन्फेक्शन होना। जब हमारे दांत में इन्फेक्शन होती है, उससे जो पस फॉर्मेशन स्टार्ट होती है दांतों की नसों से हमारी इन स्पेसेस की ओर चली जाती है, जहाँ पर ये बढ़ती बढ़ती काफ़ी स्वेलिंग कॉज कर सकती है। इसलिए हमें कोई भी दांतों में प्रॉब्लम होती है, अगर हमें लग रहा है कि थोड़ी भी स्वेलिंग स्टार्ट हो रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप देख सकते हैं कि ये स्वेलिंग कितनी वर्स हो सकती है, बिगड़ सकती है और ऑलमोस्ट आपके काफ़ी फेस पे स्वेलिंग कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से आपको बोलने में, खाना खाने में, मुंह खोलने में काफ़ी दिक्कत आती है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दांतों की समस्या की वजह से कोई भी हमारे फेस पे स्वेलिंग हो गई है तो वहाँ पर हमें गर्म चीज़ की सिकाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम गर्म चीज़ की सिकाई करते हैं या कोई बाम लगाते हैं, कोई विक्स लगाते हैं, इनकी वजह से आपकी जो स्वेलिंग है और बढ़ सकती है और आपकी कंडीशन और वर्स हो सकती है। अगर आपको पेन हो रही है तो उसे रिलीफ करने के लिए आप ठंडी चीज़ वहाँ पे लगा सकते हैं, आइस पैक लगा सकते हैं, उनसे आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी कंडीशन थोड़ी बहुत सुधर सकती है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की ओर। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें जो पस बनी है उसे ड्रेन करना होता है, मतलब कि उसे निकालना होता है। ये हम एक्स्ट्रा ऑरली मीन मुंह के बाहर से भी निकाल सकते हैं या मुंह के अंदर से भी। अगर पेशेंट की माउथ ओपनिंग ठीक है तो मुंह के अंदर से निकाली जा सकती है, नहीं तो बाहर से निकालते हैं। उसके लिए हम जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, जो सबसे उभरा हुआ पार्ट होता है, वहाँ पर एक इंसीजन देते हैं और जो पस होती है उसे निकाल देते हैं, और उसके बाद एंटीबायोटिक की ड्रेसिंग दी जाती है और एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं पेन रिलीफ के लिए। जैसे ही धीरे धीरे आपका मुंह खुलने लग जाता है तो जिस कारण से ये आपकी स्वेलिंग बनी है, पस बनी है, उसे ठीक किया जाता है। आपके जिस दांत में भी प्रॉब्लम हो, या तो उसकी एक्सट्रैक्शन मीन्स उस दांत को निकाल दिया जाता है, अगर उस दांत को बचाया जा सकता है तो रूट किनाल ट्रीटमेंट की हेल्प से उसे बचाया जाता है। अगर आप स्वेलिंग ठीक हो जाने के बाद दांत को ठीक नहीं करवाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम दोबारा दोबारा होती रहेगी, इसीलिए इसे इग्नोर मत कीजिए और अपने दांत का इलाज जल्द से जल्द करवाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर 9256892568 पे कॉन्टैक्ट करें। थिन डेंटल क्लिनिक जमालपुर लुधियाना।